दिल्ली में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और विधायकों की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने की। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने की है। दरअसल राजधानी में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष जुटे हुए हैं। बैठक में आने वाले समय में पार्टी के संगठन को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कैसे मूव करना है, लोगों की समस्या, लोगों की कठिनाई, चाहे वो पोल्यूशन की है, सफाई की है, करप्शन की है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, हॉस्पिटल्स की है, स्कूल्स की है, उन तमाम इश्यूज के ऊपर डिस्कस हुआ और कैसे हमको जो है आगे भूमिका बनानी है और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना है, तो उसको लेकर सारी चर्चा थी। और मुझे खुशी है कि सारे हमारे XMLA बहुत उत्साहित थे, तो हम अपने XMLA नए लोग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट अभी बनने हैं, उसको लेकर चर्चा हुई, तो तमाम हम लोग जो है मिलजुल के कांग्रेस की लड़ाई को आगे लेके जाए। अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि जल्द ही पार्टी का संगठन दिल्ली में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को निभाने के लिए सभी का साथ जरूरी है, यही वजह है कि सभी पुराने और नए नेताओं के साथ मिलकर उनकी राय ली जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी को नए जिला अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। लवली ने कहा कि आने वाले 2 महीनों तक पूरे तरीके से प्रदेश इकाई का संगठनात्मक ढांचा तैयार हो जाएगा। ये जो ऑब्जर्वर बनाए हैं ये उसी कमेटी का पार्ट है, तो अब ये है कि जरा उसको गति मिल जाएगी और इसलिए उसमें कुछ और लोग ऐड कर दिए हैं कि उसको गति मिल जाए और जल्दी से जो है हम लोग अपना इस संगठन की कार्रवाई को पूरा कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संगठन को खड़ा करना आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो न सिर्फ खड़ा हो सके बल्कि मजबूती के साथ केंद्र और दिल्ली सरकार के सामने भी वो अपनी बात को रख सके, तो उसे लेकर कब तक ये माना जाए कि वो प्रक्रिया जो है वो हो पाएगी? मुझे लगता है कि महीने भर में हम ब्लॉक अध्यक्ष की प्रक्रिया पूरी कर देंगे, उसके बाद जिला और प्रदेश की। आपको बता दें कि कांग्रेस के ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा इसी महीने किए जाने की संभावना है। इसके बाद जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी गठित की जाएगी। पार्टी इस बार नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।